सत श्रीकाल सारा नूं, मैं जसमीत पाठिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तो, और अज भी एक डिटेल्ड इनफॉर्मेशन लैके, एक डिटेल्ड एनालिसिस लैके, क्योंकि स्टूडेंट्स की बड़ी सारी क्वेरी आ रही मैनू। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कन्फ्यूज हैं और वो चाहते हैं कि उस चीज़ पर मैं जरूर डिस्कशन करा। और दल्ला जी ने भी मैंने बड़ी बारी कहा कि इस चीज़ पर अपन डिस्कशन जरूर करिए, जी मैं इस वीडियो के दौरान करन वाला। सो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि ट्वेल्थ तो बाद कैनेडा जाना चाहिए या ग्रैजुएशन तो बाद कैनेडा जाना चाहिए। मैं पहला भी काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे, पर फिर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करांगा। मैं कुछ पॉइंट लिखे हैं उसके बारे जरूर डिस्कस करांगे, सो वीडियो च बने रहो। और जे तुसी 12वीं तो बाद कैनेडा जाने के बारे सोच रहे हो तो उसके बारे डिस्कशन करांगे, एंड जे तुसी ग्रैजुएशन करके कैनेडा जाने बारे सोच रहे हो उसके बारे भी डिस्कशन करांगे। पर पहला दसदा कि कैनेडा जाना इज़ पॉजिटिव, इज़ बैटर फॉर योर फ्यूचर, चाहे तुसी 12वीं तो बाद जा रहे हो, चाहे तुसी ग्रैजुएशन तो बाद जा रहे हो, चाहे तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन तो बाद जा रहे हो। इट इज़ अ पॉजिटिव स्टैप टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर लाइफ, बिकॉज बहुत कुछ कैनेडा ऑफर करता है जो स्टूडेंट्स उत्थे पढ़न जाते हैं। सो स्टूडेंट्स जिहड़े भी कैनेडा पढ़न जाते हैं, सो दे गेट अ पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट, 3 ईयर्स पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट, फ्लैट 3 ईयर्स पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट, डिपेंड्स ऑन वट लेंथ ऑफ स्टडी यू हैव डन। मतलब जो तुम 2 साल की पढ़ाई की है तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, 3 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। जो तुम 1 साल तक की पढ़ाई की है तो 1 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। सो जी ये ऑप्शन हैगी है स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता है, एंड इफ दे आर सूटेबल इनाफ एंड दे हैव कनेडियन एक्सपीरियंस, दे हैव कनेडियन एजुकेशन, एंड दे गैट अ जॉब एंड दैन दे कैन सैटल डाउन इन कैनेडा। सो ये जड़ियाँ ऑप्शनस है मैंने लगता अनमैचेबल हैं, अनमैचेबल है ये ऑप्शनस। सो स्टूडेंट्स वास्ते बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैगी है जोड़े पढ़ के उत्थे कैनेडा सैटल होना चाहते हैं। पर जे कोई स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर लैके वापस आना चाहते हैं, आई फील दे विल लर्न सो मैनी थिंग्स जिहड़ी इंडिया आ के भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑलसो गुड फॉर देयर करियर ग्रोथ। सो मतलब जे असी गल करिए कैनेडा पढ़ के सैटल होंदे हो प्लस प्लस प्लस, जे तुसी कैनेडा पढ़ के इंडिया वापस आंदे हो दैट इज़ ऑलसो प्लस 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 इन योर करियर, इन योर लाइफ, बिकॉज यू विल हैव ग्रेट एक्सपोजर इन कैनेडा। कैनेडा इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी। सो लेट स्टार्ट कि 12वीं तो बाद की फायदा होंदा स्टूडेंट्स नूं। सी जो 12वीं तो बाद स्टूडेंट जाता है कैनेडा, सो ही इज़ यंग, लाइक 18-19 ईयर्स की एज होंगी है, मैं देखिया कई बार तो 17 ईयर्स की भी एज होंगी है 12वीं तो बाद। सो एक जी कही कि माइंडसैट जो बदलना बड़ा आसान होंगे। सो एक माइंडसैट नहीं बच्चे का बनता है जो आप कैनेडा पहुँचते हैं, सो उस रंग च आप ढंग जाने। सो मेल्ट इन द कल्चर ऑफ कनेडियन, मतलब कि आप बिल्कुल कनेडियन कल्चर च ढंग हो जाने और सानू बड़ा आसान लगता मेल्ट होना। वेयर एज इफ यू आर अ ग्रैजुएट तो थोड़ी उम्र पक्की हो चुकी होंगी है, एंड थोड़ा जहा सानू मेल्ट होंगे या सानू कनेडियन कल्चर से सैटल होंगे टाइम लग सकता है। बट जो 12वीं तो बाद स्टूडेंट जाता ही इज़ मतलब ही और शी इज़ रियली रियली नेव एंड जल्दी मेल्ट होंगे कनेडियन कल्चर च। सो दूजा पॉइंट होंगे कि जे सपोज तुम 18-19 साल च कैनेडा मूव किए हो 12वीं तो बाद, दैन जी PR हैगी है या सैटल डाउन होना दैट कैन बी अर्ली, लाइक 24-25 साल के अंदर अंदर तुसी सैटल हो सकते हो। सपोज यू आर गोइंग फॉर अ डिप्लोमा और एन एडवांस डिप्लोमा, सो 2 साल की पढ़ाई या 3 साल की पढ़ाई प्लस अ वर्क परमिट यानी 6 ईयर्स, सो आई फील 5 to 6 ईयर्स यू कैन सैटल डाउन इन कैनेडा। दैट मीनस 23 to 24 साल के अंदर अंदर भी तुसी PR लै सकते हो। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैगे हैं जिहड़े कैनेडा गए एंड दे आर सैटल्ड, वैल सैटल्ड नाउ, दे आर PR एंड दे आर अर्निंग नाइसली। So that depends on students caliber also. So PR लेनी within time frame easy है जो तुसी 12वीं तो बाद जाते हो। सपोज तुसी ग्रैजुएशन तो बाद जाते हो, सो अल्टीमेटली यू डन योर ग्रैजुएशन, यू आर ऑलरेडी 21, 22 or 23 when you complete your graduation. So it will take another 5-6 years, यानी कि 28-29 साल की उमर ची सैटल हो होगे कैनेडा। एंड सपोज इफ यू आर पोस्ट ग्रैजुएट दैन 30-32 साल की उम्र कैनेडा सैटल हो पाओगे। सो दैट इज़ योर माइंड फ्रेम कि जो तुम कदों जाना चाहते हो, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो तुम की डिसाइड करते हो कि तुम पहला जाना चाहते हो 12वीं तो बाद जाना चाहते हो कि ग्रैजुएशन तो बाद जाना चाहते हो। सो आई एम जे मैं तुम्हें पॉइंट्स डिस्कस कर रहा बड़े क्लीयरली ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर रहा ताकि अपना माइंड सैटअप करा बना सको। सो तीजा पॉइंट आ जाता कि स्टूडेंट्स जो 12वीं तो बाद जाते हैं दे आर रियली नेव, मतलब कि अपने मनी मैटर्स थोड़े जे कच्चे होंगे हैं, पैसा किवें मैनेज करना है वो थोड़ा जहा उन्होंने नहीं पता होंगे। बट जो कैनेडा पहुँच
पहुँचते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स मतलब बड़े ही चंगी तरह मनी मैनेजमेंट लर्न कर लेंगे बड़ी ही जल्दी, वेयर एज यू आर इफ यू आर ग्रैजुएट तो थोड़ी जी कहते सेंसिबल होंगे हो तुम कि हाउ टू मैनेज योर मनी, यू नो हाउ टू वैल्यू योर मनी। सो कई बार बारहवीं तो बाद स्टूडेंट जो जाते हैं चक्का चौन दे के मनी मैनेजमेंट चंगी तरह नहीं कर पाते, बट कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं। बट यद प्रो भी है कौन भी है कि प्रो ये है कि early in your life you know the value of money, early in your life you know how to manage money, so but when you are so ये भी हो सकता है कि तुसी बहुत जल्दी कैनेडा पहुंच गए एंड यू तुसी उत्थे बहुत कुछ देखते हो ब्रांड्स हैं गड्डियां हैं एंड यू टेंड टू बाय कि मैं अभी गड्डी लेना मैं ए भी ब्रांड लेना एंड यू स्पॉयल मनी, सो दैट कैन बी द कॉन ऑफ गोइंग एट अर्ली एज। वेर एज वैन यू गो आफ्टर ग्रेजुएशन तुसी अपना मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत जल्दी होंगी है। सो मैं इससे टिप ऐड करना चाहवाँगा स्टूडेंट्स नूं कि क्रेडिट कार्ड बड़े ईजी होंगे कैनेडा च मिलने एंड कार का फाइनैंस कराना भी बड़ा आसान है। एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा यू कैन बाय अ कार, एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा यू कैन गैट अ क्रेडिट कार्ड, बट डोंट डू दिस फुलिश मिस्टेक्स, डोंट गैट अट्रैक्टड टू सो मच जिन्हों कहते हैं अट्रैक्शन इन कैनेडा। सो कोई लोड़ नहीं है कि तुहानू कार जल्दी लैन दी, प्लीज़ सैटल डाउन फर्स्ट गैट अ पी आर एंड दैन यू कैन बाय अ कार एंड इफ यूर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट यू कैन दैन यू कैन डेफिनेटली बाय अ कार। लाइसेंस लेना ईजी है कैनेडा च, ब्रांड्स बहुत चका चौंदा कैनेडा च, डोंट फॉलो दैट। इनिशियली जिन्ना पैसा जोड़ोगे अपनी लाइफ च उन्ना बैटर रहेगा, जिन्ना तुसी किस करके इनिशियल ईयरस अपने कट्टोगे कैनेडा च उन्ना ज़्यादा बैटर रहेगा for your future that will be better. So this is just an advice, rest it is your opinion how to go ahead in your life, but I will advise all students ki thoda ja apan hath khich ke Canada ch jana and but if your parents are supporting and tade pichhon tonu puri support hai then it is your wish how to go ahead, but I feel strong foundation will give you a strong career. Just tusi apne paise jod ke rakhoge early years of your life that will have give you better outcome in your later stages of your life. That is just my advice. So initially बच्चे 12th तो बाद कैनेडा च रहना, accommodation किवें manage करनी है, सफाई किवें करनी है, कपड़े किवें धोने हैं, food किवें cook करना, they learn everything. So this is a great exposure. You become so much independent. एंड इनिशियल जो कोई आप ग्रैजुएट होंगे सानू थोड़ी जी आदत पक चुकी होंगे असी सैटल नहीं होंगे। कई बार मैं देखिए स्टूडेंट्स दे डोंट वॉन्ट कुक सो दे डोंट वॉन्ट वॉश, सो जे तुसी ये चीज़ा नहीं करोगे दैन यू टेन टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। सो दैट इज़ अगेन ग्रैजुएट करके जाता जो स्टूडेंट कई बार कुछ चीज़ा नहीं करता, बट प्लस टू पास जो जाता उन्होंने पता लगता कि सब कुछ मैनू करना ही पैना है, सो दे टेन टू डू इट। सो सैटलमेंट बारे मैं दसिया कि सैटलमेंट इज़ एट राइट एज। सो ये सारिया चीज़ों देखद हो मैं लगता कि इट इज़ योर चॉइस कि तुम बारहवीं तो बाद जाना चाहते हो कि तुम ग्रैजुएशन तो बाद जाना चाहते हो, बट देर आर ऑलवेज कॉन्स एंड प्रोज टूवर्ड बोथ द पॉइंट्स, बट आई विल एडवाइज ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो अर्ली एज पॉसिबल सो दैट तुम मनी मैनेज करना जल्दी सीख लो, तुम अपनी जल्दी लाइफ च सैटल हो पाओ एंड तुम उतों के कल्चर में मेल्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर प्लानिंग टू सैटल इन कैनेडा, सो दैट विल बी ईजी जो तुम बारहवीं करके कैनेडा मूव करोगे। सो दैट इज़ माई एडवाइस। रेस्ट कुछ पेरेंट्स थोड़े जे सेंसिटिव होंगे इस इशू में लैके कि असं ग्रैजुएशन तो बाद स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं बिकॉज इज टू यंग, आई नो दैट, बट वैन योर किड विल सैटल देयर एंड ही विल अर्न इन डॉलर्स ही विल गैट अ गुड जॉब इन कैनेडा दैट विल मेक यू प्राउड। सो पेरेंट्स को बड़ा प्राउड फील होएगा कि साढ़े बच्चे उत्थे जाके जल्दी सैटल हो गए, पी आर ले ली एंड दे आर अर्निंग वैल, दे हैव अ गुड कार, दे हैव अ गुड हाउस एंड दे स्टेइंग वैल, सो दैट इज़ मोस्ट जिन्हों कहते प्राउड मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है पेरेंट्स वास्ते। सो आई फील यू शुड गो अर्ली एंड यू शुड स्टार्ट योर करियर एज सून एज यू लर्न कि तुम बारहवीं तो बाद ही कैनेडा पढ़न जाओ ताकि तुम्हें सैटलमेंट च बहुत अच्छी ऑप्शन मिलनगियाँ। सो मैनूं तुसी अपना टॉपिक भेज सकते हो अगले वीडियो वास्ते। सो इस टॉपिक लिए भी थैंक यू करदा मैं सिमरनदीप दा जिन्हें मैंने कहा कि सर मैं बड़ा कन्फ्यूज्ड हाँ कि मैं बारहवीं तो बाद जावा कि मैं ग्रैजुएशन तो बाद जावा। सो ये बारे मैं डिस्कशन की, गिव मी योर टॉपिक्स एंड आई विल डिस्कस, आई विल शेयर जिनी नॉलेज मेरे को हैगी है वो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के नाल शेयर करना चाहवागा, पेरेंट्स के नाल शेयर करना चाहवागा, क्योंकि सानू बहुत लंबा समा हो चुका है, 13 साल का समा हो चुका है इस फील्ड में एंड बहुत सैटिस्फाइड क्लाइंट्स है साढ़े। कॉल कर सकते हो 90413 90412 मैनू मिल सकते हो मोहाली ऑफिस च, और
अपनी प्रोफाइल असैस कराना चाहते हो तो info@landmarkimmigration.com ते ईमेल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज एम हायर, थैंक यू।